क्या अपने अतीत में खोया हुआ सत्या सही को दे पाएगा शादी के बाद उसके हक। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में आगे दिखाया जाएगा कि किस तरह से सत्या को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आने वाली है। वो उसकी याद में इतना ज्यादा खो जाएगा कि क्या ही कहें। आप देखेंगे सत्या की आंखों से आंसू आने लगेंगे, तभी उसकी माँ भी ये सब देखकर बहुत परेशान होने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ विराट जो है वो ये प्लानिंग बना रहा है कि भाई जल्दी से वो सई को जाकर अपने दिल की बात बता दे और साथ ही पाखी का साथ भी छोड़ दे। तो चलिए बताते हैं सीरियल के आने वाले ट्रैक में और क्या क्या मजेदार ट्विस्ट आने वाले हैं कि किस तरह से सत्या जो है किचन में खड़ा होता है और वहाँ पर वो प्याज को कट कर रहा होता है। तभी आप ये भी देखेंगे किस तरह से भाई सत्या जो है वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड गिरजा की यादों में खो जाता है। उसे गिरजा की वो बातें याद आती हैं कि किस तरह से गिरजा उसे प्यार किया करती थी। साथ ही उसे ये भी याद आएगा कि किस तरह से गिरजा के पेरेंट्स ने उन दोनों को कभी एक नहीं होने दिया था और इसी चक्कर में गिरजा ने जहर पी लिया था जिसके बाद गिरजा की मौत हो गई थी। इसके बाद सत्या जो है वो भी बहुत परेशान हो रहा था। हालांकि लास्ट टाइम पर भी आपने देखा कि किस तरह से सत्या को उसके गर्लफ्रेंड से नहीं मिलने दिया गया था, क्योंकि सत्या जो है वो एक डॉक्टर था और साथ ही एक नाचने वाली का बेटा था, जिसके बाद गिरजा के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि सत्या की शादी उससे हो और इसी वजह से गिरजा के पेरेंट्स जो है वो सत्या के दुश्मन बन चुके थे और सत्या को अपनी बेटी के आस पास भी नहीं देखना चाहते थे। लेकिन गिरजा सत्या से इतना प्यार करती थी कि वो किसी और से जबरदस्ती शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी और इसलिए उसने जहर पी लिया, जिसके बाद सत्या काफी परेशान नजर आ रहा था। हालांकि सत्या की आंखों में भी आंसू थे और साथ ही गिरजा एक तरफ जान के लिए तड़प रही थी। तो वहीं आपको देखने को मिलेगा कि सत्या इन बातों से बहुत परेशान होता है और वो किचन में खोया हुआ होता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और जैसे ही उसकी माँ देखती है कि उसने अपना हाथ भी काट लिया है तो वो जल्दी से उसको बैंडेड लगाती है। तभी आप देखेंगे कि सत्या जो है बैठा होता है और फिर से उसके पास गिरजा आकर बैठ जाती है और गिरजा उससे ये बोलती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से जाना चाहती हूँ, मैं चली भी गई हूँ लेकिन तुम मुझे यादों में भुला नहीं पाए हो। तभी सत्या कहता है मैं कभी भुला भी नहीं पाऊंगा, यानी कि इन बातों से ये तो साफ होने वाला है कि सत्या अब तक अपने अतीत से बाहर नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से उसकी माँ भी काफी परेशान नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सीरियल का नया प्रोमो जो है वो सामने आ चुका है, जहाँ पर सत्या और सई ने शादी कर ली है और विराट को तगड़ा झटका लग चुका है। हालांकि देखना अब ये इंटरेस्टिंग होगा क्या इस बार भी सई की किस्मत में खुशियाँ आ पाएंगी, क्योंकि सत्या तो अपने अतीत से बाहर ही नहीं आ पाया है। वेल, आपका क्या कहना है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो कर लीजिए।